घरों की सूरत हाल आप देख सकते हैं कितनी सेम लगी हुई है, वो सामने कटा हो गया है। ये सूरत हाल है इधर की। मैं जमींदार आवे कोई सही कोई कुटी दे पाए हैं मुंडी गड्डी वाले घर भीज गए हैं ना कोई सलाह भी सादा सही पाए ना कोई दरिया ते कटो दा सही थींदा पाए ना को सारा सही सेकड़ा है। तो अब दरिया सिंध की क्या सूरत हाल है ये सामने आप जैसा कि देख सकते हैं। अल्लाह माफ करे कितना कटाव दरिया का जारी है। एक वैली पे दिखाए सही। ये अब कितना ही से दो फुट देखो अढ़ाई फुट की ये जमीन जा रही है। ये सूरत हाल है इधर की। तो आए किसी और मकीम मकामी बस्ती से बात करते हैं और उससे पूछते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मस्जिद के हाफिज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या सूरत हाल है अब आपके पास? आपके पहले बस्ती का नाम बता दें हमारे व्यूअर्स से, ये कौन सी जगह है वो भी बता दें। सूरत हाल जी आप खुद देख रहे हैं अपनी आँखों से। जी जी कटाव जो है वो शदीद सूरत अख्तियार कर चुका है। अच्छा ये जो सामने बस्ती है दरिया कटाव के बिल्कुल आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। अच्छा, ये बस्ती नूरपुर पलिहार है और ये काफी दरिया कटाव के खतरे में है। अच्छा जी। और ये कौन सी बस्ती है, क्या नाम है इसका और किस इलाके में आती है? बस्ती नूरपुर पलिहार है, ये केपीके में है, तहसील अच्छा। जिला डेर इस्माइल खान। डेर इस्माइल खान। और हमारे आपके पास में भी दो जिला और लगते हैं, वो कौन कौन से? वो एक जिला लिया है और दूसरा जिला बखर है। तो जिला बखर से तो हम भी आए हुए। पहले कोई और किसी बस्ती से, बस्ती कह रहा हूँ, किसी और जिले से आए केपीके वालों ने आपकी मदद की है? नहीं बिल्कुल। और जो के और MNA MPA जो वोट मांगने आपके पास आते थे वो आए हैं? नहीं सर, नहीं कोई नहीं आया। जब इलेक्शन आएगा तब वो आएंगे। अच्छा इलेक्शनों के दिनों में तो आते हैं वोट मांगने के लिए। ये कुछ दिन पहले जो मुसीबत है सैलाब की और अब मुसीबत है कटाव की, कोई अच्छा भी नहीं आया, कोई सियासी कोई बड़ा आदमी कोई भी नहीं आया। तो अब क्या मुताला है हुकूमत से कि आपको क्या करके दिया जाए, आपकी क्या मदद की जाए? बस अगर मेहरबानी कर सकते हैं जी एक ही है और वो हर जुबान पर एक ही अल्फाज लफ्ज होगा कि अगर कुछ करते हैं तो ये कटाव रोक दिया जाए, कुछ सिपर दिया जाए या कोई ऐसा। अच्छा सुपर बंद दिया जाए, ताकि कोई बंद दिया जाए जी, जी। तो पहले अब इधर से ये जो दरिया हम देख रहे हैं काफी बड़ा हो चुका है, तो ये अब आपके जो बस्ती के इलाके थे इसमें कितना आ चुका है? जो के घर थे काफी हंसते खेलते फैमिली थी जो अब सफ़े हस्ती इस दुनिया से मिट चुके हैं। सर साल 2022 के सीजन पानी की बात करें तो यहाँ काफी बस्तियाँ जो वो दरिया में है। अच्छा बस्ती दखना थी, बस्ती खर थी, बस्ती बलोच थी, बस्ती कसरानी थी, बस्ती लोरी थी और ये एक एक बस्ती कमो पेश 200-250 घर पर मुश्तमिल थी। अच्छा। ये सब दरिया में है, ये सब दरिया में है। और ये दरिया काफी बड़ा दरिया हो चुका है ये। और ये बताएं कि कुछ अल्लाह माफ करे जानी नुकसान भी हुआ है या अल्लाह पाक ने उधर से महफूज कर लिए? अल्लाह ने करम कमाया अभी तक तो कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, बस फसलें तबाह हो गए हैं। हम लोगों का आसरा जो है वो साल भर का इस फसल पे होता है, फसल नहीं रही, बस अल्लाह करम करेगा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मज़ीद भी सूरत हाल मैंने कहा कि अपने फ्रेंड्स को दरिया की दिखा दूँ, तो बार 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 अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा हूँ। कटाव कितना ज़्यादा है जा रही है, मकामी इलाकों से मकामी लोगों से भी पता किया कि क्या सूरत हाल है और दरिया की भी सूरत हाल। कितने कटाव के क्लिप बनाए हैं मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाए हैं। तो ये जिस जगह में बस्ती नूरपुर इनको कहा जाता है, ठीक है, तो ये बस्ती के इलाके में ये दरिया सिंध बह रहा है। हत्ता कि जो दरिया सिंध की अपनी जगह थी वो किस दूसरी तरफ थी, तो हुकूमत ने जो सुपर बंद बनाया अगर वो थोड़ा सा इस तरफ भी बना देते, बार बार जितना कितना कटाव हो रहा है आप देख सकते हैं, अगर उस तरफ भी बना देते जो कि हैं यहाँ के मुकीमी लोग थे वो भी काफ़ी इस जगह से बच सकते थे इस सूरत हाल से। अल्लाह पाक ने तो लोगों को काफ़ी महफूज किया, जान नुकसान कोई भी नहीं हुआ। बर इंसान जो जिसके लिए मेहनत करता है वो इंसान के लिए चीज़ ना रहे तो फिर ज़िंदगी का वो क्या करेगा? जिनके घर बर्बाद हो जाएं, जिनकी फसल बर्बाद हो जाए, जिनके जी जी नासिर भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ, तो आप भी बता दें क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिस्मिल्लाह, मलिक नासिर फाउंडेशन बखर।
इस वक्त दरिया की जो कटाव की सूरत हाल है बहुत डेंजरस है जी जी। ये फ्लड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी हमारे खड़े हुए कम से कम ये 20-25 मिनट के दौरान ही अच्छा खासा एरिया तबाह बर्बाद हो चुका है। तो ये जो कटाव है ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कम से कम भी बीसियों बस्तियों को ले चुका है और हज़ारों एकड़ रकबे को ले चुका है। तो इनकी जो लोग हैं उनके आबादकारी के लिए यकीनन हम सबको आगे निकलना होगा और खुसूसन केपीके की गवर्नमेंट को और उसके बाद मुखैर हजरात भी यहाँ पे आके इनके दुख दर्द बांटे, क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट हो गए आगे जा चुके हैं और जहाँ जहाँ पे भी ये हैं ये इंतहा कसम पुरसी का शिकार हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। घर हैं जो सैलाब से मुतासर हुए थे, दरिया के पास में ये 200-300 किलोमीटर फासला है और इधर काफ़ी बस्ती हैं और जैसा कि हमने इनको तिब्बी इमदाद भी नहीं कह सकते, फुल कैंप लगा के दिए जितना हमारे पास हो सकता था। हमारे पास मेडिसिन थी नॉर्मल रेट हाई रेट, वो इनको फीस पे लीला मुफ्त में हमने दिए ताकि जो किसी हमारी एक गोली से ना, एक चाहे वो सस्ती हो महंगी जो भी पैनाडोल की एक गोली से इन दोस्तों को इन भाइयों को इन बुज़ुर्गों को आराम आ गया एक को भी, तो हमारा यहाँ पर आया अल्लाह पाक उसको अपने बरगाह में कबूल फरमाएगा। किसी एक को भी अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि आप मोमिन की परेशानियां दूर करो, मैं आपकी करूंगा, आप मुसलमान भाई की करो। तो मस्जिद भी सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूं अपनी, और ये बस्तियां थी इधर की। जैसा कि आप देख सकते हैं सनी के सीनियर ब्रदर और कुछ फ्रेंड्स मिलने आए हैं, मिलने यार झप्पी छप्पी डालो यार, वो पीछे पीछे ओ डर गया यार डर गया यार सनी तुझे इना ना ली करना। नहीं 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 इनके साथ तो मजा ही आना था। ओ की हाल है, ठीक हो ना, खुश हो? आहा उसे नाल तो करे ते मजा आवे यार, सराकी का भी अपना मजा है। ठीक हो ना, खुश हो? फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया मुकम्मल सूरत हाल दिखाई है और जैसे कि हैवी फ्लड की एक वीडियो मैंने डाली थी उस पर काफ़ी दोस्तों ने उस वीडियो को सपोर्ट किया, देखे हमें, हमारे भाइयों के लिए भी पूछे हमें भी सूरत हाल बताया जाए कि क्या सूरत हाल है, और इनकी इमदाद के लिए भी काफ़ी दोस्त कह रहे थे और काफ़ी दोस्तों ने हमें ये भी बताया कि हमें टाइम पे टाइम अपडेट देते रहें। तो आज स्पेशल हमने जो एक पहली वीडियो में या इसके बाद जब भी आएगी आप समझदार हैं दो वीडियो बनाई, एक कैंप जो लगाया तो उसके बारे में दिखाया है और एक इधर दरिया के बारे में बताया है, ठीक है? तो जैसे कि हम मौजूद थे और इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल है, मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ, तो हमारी तरफ से जितनी भी इमदाद थी हमने की है इनकी, और अपने दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप भी हमारी सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें। मिस्टर वेला को तो मुझे दें इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़।